लोकसभा सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की नियत पर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की नियुक्ति नियमावली में विसंगतियों को दूर करने संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। वहीं टीका अभियान की रफ्तार को धीमा बताते हुए कहा कि यहां की सरकार आधारभूत संरचना को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाई है। और नियुक्ति वर्ष का हालचाल मुख्यमंत्री जी बताएं कि इस नियुक्ति वर्ष में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितने रोजगार के सृजन किए गए। देश का अभिन्न हिस्सा झारखंड है और भारत एक गणराज्य है, संघीय राज्य, संघीय देश है, लेकिन यहां पर जो तेजी से वैक्सीनेशन के काम होने चाहिए थे, वैक्सीनेशन में जो लगे हुए पारा मेडिकल्स के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको जितना सहयोग सरकार से मिलना चाहिए था उस नहीं मिल पाया। अवेयरनेस प्रोग्राम इनका फेलियर है वैक्सीनेशन के सवाल पर, इसलिए आज भारतवर्ष के जो औसत देश का जो औसत दर है उससे पिछड़ा है, ये पीछे चल रहा है। जिलेवन भी संवेदनशील है, थोड़ा एक बार सेंटर में जाकर के देखिए, कोई भी सरकार की ओर से कोई उनको प्रोत्साहित करने वाला काम नहीं, लोग लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, उनको पानी की सुविधा नहीं, बरसात होता है लोग भींगते हुए, मेरे पास फोटोग्राफ्स है कि लोग वैक्सीन ले रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, आधारभूत चीजें भी जो वैक्सीन लेने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।